जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके चैनल में, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल। आज हम बात करने वाले हैं काला जादू, या यूँ कहें वो ब्लैक मैजिक, या नज़र लग जाना, या ओवरऑल तौर पर काला जादू के बारे में लोग बहुत कुछ चीज़ें सर्च करते हैं और बहुत सी चीज़ें कमेंट्स भी करते हैं। काला जादू है क्या? वास्तविकता ये है कि ये सभी साइकोलॉजी जो होती है, हमारी मन स्थिति, और इसे मनोविज्ञान भी कहना गलत नहीं होगा, ये उसका फायदा लेना, उसका एडवांटेज लेने का काम है। प्रतिशत 10% इसलिए चांसेस छोड़ रहा हूँ मैं कि वो एक अलग भाव है, क्योंकि हम बहुत बार मेहंदीपुर बालाजी देखते हैं, कई बार दूसरी जगहों पर देखते हैं जहाँ पर लोग हिलते हैं डुलते हैं, वो एक अलग विषय है, और उस विषय पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं कि कोई कुछ कर देता है, तो ऐसा सबसे पहली बात है कि कोई के हाथ में कुछ करने का है ही नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता तो ये दुनिया को इधर का उधर कर देता। केवल और केवल हमारी साइकोलॉजी है, हमारी मन स्थिति, और इसे केवल वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। और एक बार अगर आपके मन में वो चीज़ें बन गई है, वो एक बार चीज़ें घट गई, तो वो कई दिनों तक नहीं जाने वाली, और वो आपको परेशान करती रहेगी। तो सीधी सी बात है, जो सामान्य भाषा शब्दों में मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी काला जादू वास्तविकता में नहीं होता है, केवल और केवल वो हमसे पैसा ऐंठना होता है, केवल और केवल हमारी मन स्थिति और हमारी जो परेशानी है उसका गलत उपयोग होना है या गलत फायदा उठाना है। इसलिए इन चीज़ों की ओर ना जाए और ना इन चीज़ों को माने। अगर इन चीज़ों में जितना उलझेंगे उतना आप तकलीफ में जाएंगे। भाई, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती है, एक बात कह देना चाहता हूँ, लेकिन इन सभी लोगों से आपको दूरी बना के रखें, क्योंकि ईश्वर का स्मरण करना, घर में दीपक लगाना, जप करना, ये सभी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन इनका सब सिर्फ एक ही एक यही तोड़ है। इसके अलावा जितनी भी ये बातें हैं, ये सब आपको धन ऐंठना है आपसे और आपको उल्लू बनाना है। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और वीडियो में कमेंट्स में लिखे जय श्री महाकाल।